प्रयागराज से पीएम मोदी ने 16 लाख महिलाओं को दी 1000 करोड़ की सौगात। नई दिल्ली, राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को वापस लेने और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाए जाने की मांग को लेकर विपक्षी पार्टियों ने आज दिल्ली में एक मार्च निकाला। महाराष्ट्र, राजनाथ सिंह ने पुणे में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एक्साइज पैनेक्स 21 में हिस्सा लिया। बीजेपी पर खूब बरसी जया बच्चन, बोली किसी दिन लाल टोपी ही आपको कोर्ट में घसीटेगी। SGPC प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने सोमवार को स्वर्ण मंदिर में कथित बेअदबी के प्रयास के पीछे एक बड़ी साजिश की आशंका व्यक्त की और कहा कि इसमें शामिल व्यक्ति ने कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त किया था। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी अमृतसर के देवीदासपुरा गांव में रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटक में दलित कर्मचारी को मैनहोल साफ करने के लिए मजबूर करने के आरोप में 3 पर मामला दर्ज। बेंगलुरु, कर्नाटक सरकार ने पहली बार राज्य पुलिस विभाग में भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। शीत लहर की चपेट में तेलंगाना, गिनेदारी कांप रहा 3.5 डिग्री। केरला उच्च न्यायालय ने कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने की याचिका खारिज की।